यह पूजा जो लाठियों से होती है, एक जजिया कर लगा था जब मुगल शासक यहाँ आए थे। नाथ बाबा ने ही सारे लोगों को यूनाइट करके जजिया कर का विरोध किया और इन लाठियों से ही उन मुगल शासकों को यहाँ से भगा दिया। श्रीनाथ मठ की अनोखी ऐतिहासिक लाठी पूजा चितबड़ा गांव स्थित नगपुरा गांव में शुरू हो चुकी है। 14 कोस से लाखों गांव के लोग श्रीनाथ बाबा के मंदिर पर पहुंच रहे हैं। श्रीनाथ बाबा फूल और माला से नहीं बल्कि लाठियों के प्रदर्शन से प्रसन्न होते हैं। बाबा को प्रसन्न करने के लिए जब भक्तों के बीच सुंदर सजीली लाठियां आपस में चटकती हैं, तो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भक्तों के कर्तव्य ऐसे तैसे नहीं होते, बल्कि किसी मजे हुए लठबाज की तरह प्रदर्शन किया जाता है। जब एक साथ सैकड़ों के झुंड में लाठियां चटकती हैं, तो उस समय ऐसी लाठियों की सैया तैयार हो जाती है कि कोई भी आसानी से उस पर बैठ या लेट सकता है। पूर्वांचल में श्रीनाथ बाबा की होने वाली ये अद्भुत पूजा और लाठियों का प्रदर्शन आस्था के पीछे एक ऐतिहासिक मान्यता है। भक्त बताते हैं कि मुगल शासन काल में इलाके के लोग जजिया कर से त्रस्त हो चुके थे। उनको कुछ सूझ नहीं रहा था। उस समय बाबा ने इलाके के लोगों को प्रेरित कर अपनी लाठी के बल पर ही मुगलों को जजिया कर लेने से पैर पीछे खींचने को मजबूर कर दिया। इसके बाद कभी भी मुगल शासक इलाके से जजिया कर लेने की हिमाकत नहीं कर सके। यह पूजा जो लाठियों से होती है, एक जजिया कर लगा था जब मुगल शासक यहाँ आए थे। नाथ बाबा ने ही सारे लोगों को यूनाइट करके जजिया कर का विरोध किया और इन लाठियों से ही उन मुगल शासकों को यहाँ से भगा दिया। आज भी 14 कोस लखनेसर का कर नहीं लगता है। चाहे हिंदू मुसलमान, चाहे जिस कौम के लोग हों, सारे लोग नाथ जी के जो है अनन भक्त थे और वो लोग जो है उन पर विश्वास करते थे और नाथ जी सारे लोगों के साथ लेकर के सबका जो भी उनका जो है कहीं दिक्कत परेशानी होती थी उसका भी। बाबा के प्रति आज भी क्षेत्र के सभी वर्ग के लोगों में अपार श्रद्धा और आस्था है। चूंकि वे लाठी के बल पर मुगल शासकों को जजिया कर लेने से दूर रखा था, इसलिए उनके भक्त आज भी लाठी को ही अपना हथियार मानते हैं और लाठी से ही श्रीनाथ बाबा की पूजा कर प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। देसी घी से बनाए हुए 142 कुंटल आटे, चीनी से रोट प्रसाद बनाया जाता है जो लाखों भक्तों को दिया जाता है। 140 कुंटल 41 कुंटल आटा रहा है और बाकी जो है चीनी 75 कुंटल और 150 टीना रिफाइन रहा है। ये लगभग लाखों लोगों को बांटा जाता है। लगभग जो है लाख नहीं, 2-3 लाख लोगों में ये प्रसाद वितरण होती है। श्रीनाथ बाबा की पूजा में अद्वितीय और अलौकिक शक्तियों के अनेक वर्णन मिलते हैं। उन्होंने अपने अलौकिक शक्तियों से अनेक मानव कल्याण किए।
श्रीनाथ बाबा का पूजा समय समय पर लाठियों से होने के पीछे एक यह भी मान्यता है कि बाबा अपने क्षेत्र की जनता की ताकत देखने की इच्छा रखते हैं। बाबा की इसी इच्छा की पूर्ति के लिए बाबा के श्रद्धालु भक्त अपनी अपनी लाठियों संग बाबा के दरबार में पहुंच शक्ति प्रदर्शन कर बाबा को खुश रखने का प्रयास करते हैं, ताकि बाबा का आशीर्वाद बना रहे। एक यह भी मान्यता है कि बाबा सूरवीरों का सम्मान करते हैं, इसलिए बाबा के दरबार उनके प्रिय हथियार से अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। बाबा के दरबार में श्रद्धा पूर्वक पहुंचकर मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। बुजुर्गों की माने तो बाबा बाल्यकाल से ही काफी होनहार और तेजस्वी थे। उनका जन्म रसड़ा क्षेत्र के महाराजपुर गांव में सेंगर वंशीय क्षत्रिय परिवार में हुआ था, लेकिन मन में वैराग्य होने के कारण बाल्यकाल से ही महात्मा हो गए थे। सैकड़ों वर्ष से हर साल बाबा के दरबार में लठ पूजन होता रहा है। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से आदित्य वर्मा की रिपोर्ट।